आपको कैसा लग रहा है? आपका बेटा बाढ़ में गायब हो गया है। चूतिया। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ नहीं ठीक है। हाँ 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 हेलो। हाँ नहीं कुछ नहीं कर रहा था, थोड़ा कोजी फील कर रहा था। हाँ नहीं ना सर, हमें बिस्तर के नीचे लाश मिली है। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब क्या हो सकता है सर? मतलब बिस्तर लाश के ऊपर है या इसका रोज का है यार? बाम, तू बहुत सही आदमी है यार। नहीं मैं सही बता रहा हूं। रख दे चकना, छोड़ दे। तेरा भाई मूव ऑन हो गया। हाँ वो अकेली थोड़ी है, बहुत है। बढ़िया है। चल जूस पी। यार वो जूस भी पीती थी। क्या पढ़ना नहीं है? पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। फ्यूचर नहीं बनाना, फ्यूचर पूरा दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑरकुट, हाई फाइव। क्या पानी की बोतलें भी नहीं भरनी? सब हम करें, सब हम। नाइनटी परसेंट बस। अबे मैं अपने टाइम पे 50 लाया था। 50, 50। कुछ पढ़ ले यार, अब 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा ना। 45। अबे मेरे पापा ने तो हाथ पैर जोड़े थे तब जाके पास हुआ था मैं। बेटा तू आराम कर, अंडे खाएगा? मैं बनाता हूँ। चिल्ड्रन, टुडे आई टीच यू अबाउट सेक्स। अबाउट सेक्स। सेक्स, सेक्स। हु नोज व्हाट इज सेक्स? सर आई नो। गो टू द प्रिंसिपल राइट नाउ, कॉल योर पेरेंट्स। यू नो अबाउट सेक्स? आई नो। खूनी भी गवार है साले। हेलो, मुझसे मिलने आ जाओ ना। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है। मम्मी पापा भी बाहर गए हुए हैं तो मैंने सोचा पूरा घर खाली था तो। जिंदगी हर हर कदम एक नई जंग है। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। लेट्स गो फॉर मूवी। माई चॉइस। तो फिर खाने चलते हैं। माई चॉइस। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? माई चॉइस। क्या औरत तैयारी है? मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में ना जाऊं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता
दीवाना। मजा आएगा मजा। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। पापा पता है जो मूवी है ना बहुत अच्छी रोमांटिक मूवी है। अच्छा हाँ देखते हैं। अरे मोटर ऑन कर दी, गीजर भी चालू है। बेटा एक सेकेंड ना। सर कैन आई गो टू टॉयलेट? मे आई गो टू टॉयलेट? सर मे आई गो टू टॉयलेट? Somebody has already gone. What the fuck? कुछ पढ़ना लिखना है कि नहीं? पूरा दिन बेटा म्यूजिक करता रहता है। आज तक कुछ मिला है म्यूजिक से? फालतू का नहीं तो। अगला शो कब है बेटा? आज है। आज मैं भी चलूं? बेटा पहले पानी की बोतलें भर ले, कल नहीं फिर आ जाना अखबार में। एक माँ ने अपने बच्चे को कुत्ते की तरह सूता, क्यों? पानी की बोतलें नहीं भरता था। बेटा भरो, हम कितना करें यार, तुम बच्चों को सब हाथ में चाहिए। बड़ा आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में नाम आया। देख बोतलें भर। ये क्या लगा रखा है यार ये। Hi guys, I accept the ALS Ice Bucket Championship and I nominate everyone on my friends list. कमाल, एक हफ्ते से मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा और तुम वेस्ट करने की बात करते हो। तमाशा देखने अभी मुझे लटका देंगे। दुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर यूं ही लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चाचा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नाम मर्दांगी भूस दिली, एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पे काले कारनामों को खत्म करना चाहती थी। क्या हुआ? सब साले मुर्दे जिंदाला से किसे जगाती हो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं सुकून है। यह हमारा पड़ोसी मुल्क अपने घर में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देख सकते, वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, सब बिल्कुल ना मरते हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक थाली को तोड़ना बहुत आसान है पर लकड़ी के पट्टों को तोड़ना मुश्किल है। बचपन में पढ़ा था मैंने स्कूल में तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं मैं तुम्हें, क्यों समझा रहा हूं? तुम्हारी ना मर्दानगी बोल दी थी। Super shot. He's on fire. Virat Kohli. What a shot, Kohli. Hashtag. We won't give it back. Hashtag Kohli, you are rocks. Oh, that's beautifully done. That's gone, yes, all the way flat and six. Again,
सिक्सर बाय कोहली, वी वोंट गिव इट बैक, कोहली यू आर रॉक्स। इसको किसने रख लिया टीम में, हैशटैग चूटू हो रहा है क्या। और ये विराट कोहली आउट, मिच का बाउंसर नहीं झेल पाए विराट कोहली। मैं समझता हूं जो इनका बाहरी किनारा लगाया वो इनको लेट हुआ। अच्छे सीरीज खेल रहे थे अभी तक के, मैं समझता हूं बहुत अच्छी सीरीज खेल रहे थे, लेकिन अब पासा पलटा जा रहा है, पासा पलट चुका है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, बिल्कुल पलट चुका है पैन। 42 बॉलों पे 106 रन चाहिए भारत को, क्योंकि जब बाहर निकल के खेलता है ना कपिल बाजी, जब ये बाहर निकल के खेलता है तो धोनी बड़ा ही दलेर है, बहुत दलेर, बड़ा दलेर कप्तान है। भारत का स्कोर 223 पे 6 है। क्या कर रहे हैं, खुद काट दिया पूरी जनता का, भारत के ही बैठे हुए ग्राउंड में, तो अंग्रेज आएंगे अभी, घंटा दिला रही है मारी नहीं रन। और इसी के साथ भारत का खेल खत्म 233 पे। अब भारत घर वापसी करेगा शोएब। नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्रों, मां नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री, मैं नरेंद्र मोदी निकला हूँ अपने देश की व्यवस्था देखने। भाई और बहनों, राम राम, हमें इस जगह को अमेरिका जैसा बनाना है। मैंने बराक से बात की और बराक जैसे ही एक अंजय, हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, दूर बनने गई है, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए, हमारी आगे आगे बढ़ बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, बननी चाहिए, ऑटो में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरा भाई और बहनों, हमें माता लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, दोस्तों ओएस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमें इनकी मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दोस्तों करनी चाहिए, हमें कीड़ू खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, हमें बाइक पे बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। ओके दोस्तों, फकिंग जंप। अरे भाई कितना बड़ा हो गया भाई ये, है बहुत बड़ा हो गया तू, है जब पैदा हुआ था छोटा सा था, छोटा सा मेरी गोदी में खेलता था, गोदी गोदी में खेला है मेरी, कितना बड़ा हो गया बेटा, पैंट में टट्टी भी करता था, याद है टट्टी करता था पैंट में, टट्टी रोज, इतनी टट्टी रोज, वो तो कभी कभी कर देता है अभी भी। हे महाकाल, मैं जानता हूं तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं। ये प्रमोद पाठक कौन है? व्हाट डू यू कॉल अ बर्ड हुज कमिटेड अ सिन? कू करम। सही खेल गया बैंच। और नहीं मतलब, और नहीं मतलब थोड़ा सा बीमार हूँ अभी। ये कुर्सी क्या होता है, कुर्सी मतलब बिल्ली। सही खेल गया। हेलो गाइस, ये वीडियो बनाने का एक बहुत खास मकसद है। आप में से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है पर पिछली रात मेरी नई वीडियो पापा माकी चू यूट्यूब ने डिलीट कर दी बिना मुझे नोटिस दिए, और वो भी मिस्टर ताहिर शाह जिन्होंने एंजल गाया है उनके कहने पे। ताहिर शाह जी का ये कहना है कि पापा माकी चू वाली वीडियो में जो मैंने रिंगटोन यूज़ की है एंजल वाले गाने की,
वो उनका कॉपीराइटेड है, इसलिए उन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी है यूट्यूब से। हाँ, मैं एडमिट करता हूं कि मेरी ये गलती हो गई कि मैंने एक कॉपीराइटेड गाने को अपनी वीडियो में डाला बिना उनको क्रेडिट दिए, पर उनको भी ये समझना चाहिए कि वो 5-6 सेकंड की ऑडियो क्लिप के चलते उन्होंने मेरी 1-1.5 महीने की स्क्रिप्टिंग, मेरा हार्डवर्क, मेरी पूरी वीडियो को तहस नहस कर दिया, प्रायर नोटिस भी नहीं दिया। वरना यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है कि अगर किसी को मेरे कंटेंट से प्रॉब्लम है तो वो मुझे नोटिस भेज सकते हैं, और मेरे पास कुछ टाइम होता है। सपोज मैंने अगर ताहिर शाह का गाना यूज किया है अपने वीडियो में तो मुझे नोटिस मिलेगा कि वो गाना हटा दो। तो यूट्यूब के फीचर्स के हिसाब से आई कैन डिलीट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, मैं उसको म्यूट कर सकता हूं, उसकी जगह कोई और गाना डाल सकता हूं। पर मेरे को ये नोटिस मिला ही नहीं। मुझे रात को 2 बजे सीधा ये मैसेज आता है कि मेरी यूट्यूब वीडियो हटा दी गई है। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उनके मैनेजर से बात की, तो उनका कहना है कि वो अभी यूएस में है और उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि ये जो उन्होंने कॉपीराइट क्लेम जो फाइल किया है वो वापस नहीं लेंगे, ये वीडियो ऐसे ही हटी रहेगी। मैंने उनको ये भी प्रस्ताव दिया, मैंने उनको ये भी एक सोल्यूशन दिया कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मेरे वीडियो पे जो ट्रैफिक आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, जो मोनेटाइजेशन का पैसा आ रहा है, वो आप रख लो, वो आप अपनी तरफ डाइवर्ट कर लो, वीडियो पे क्लेम रहेगा, आप अपनी तरफ डायरेक्ट कर लो, पर वो वीडियो मेरे चैनल से ना हटाओ, मेरी मेहनत है वो। 7 मिनट 2.3 मिलियन व्यूज, ये आसान नहीं है, इसके पीछे कितना हार्डवर्क लगा है ये आप लोग भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू, कोई ग्रजेस नहीं है आपके अगेंस्ट, पर बींग एन आर्टिस्ट योर सेल्फ, यू शुड रियलाइज कि किसी की मेहनत पे इस तरह पानी फेंकना बहुत गलत है। एक प्रायर नोटिस किया होता, दिया होता प्रायर नोटिस, तो मैं उस पर पक्का काम करता। मैंने उनको ये तक बोला है, उनको ये तक मेल किया है, उनके जितने भी लिंक्स हैं उनको सबको मैंने फोन करके, बाकायदा फोन करके बोला है कि प्लीज आई अश्योर यू कि अगर आप मुझे मौका देंगे, अगर आप वो क्लेम वापस लेंगे, तो मैं उस वीडियो को, उस ऑडियो को म्यूट कर दूंगा, एटलीस्ट मेरा चैनल तो अफेक्ट नहीं होगा। पर अभी सिचुएशन ये है कि मैं यूट्यूब की नजर में एक फॉल्टी हूं, उनकी नजर में मैं गलत हूं, तो मेरी यूट्यूब स्टैंडिंग्स की भी ऐसी तैसी हो रखी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। 1 महीने की मेरी मेहनत को इन्होंने 10 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ताहिर शाह को इनबॉक्स कीजिए, उनको बताइए, उनको बोलिए कि ये जो क्लेम इन्होंने किया है मेरी यूट्यूब वीडियो को, उसको वापस हटाए। और मैं अश्योर करता हूं कि एज सून एज ही रिमूव्स द स्ट्राइक, वो जैसे ही ये क्लेम वापस लेते हैं, विद इन 10 मिनट मैं उनका गाना उस वीडियो से म्यूट कर दूंगा। हालांकि पैसे की कमी नहीं है आपके पास, पर फिर भी आप ले लो, पर मेरी वीडियो तो ना हटाओ यूट्यूब से। 2.3 मिलियन व्यूज बहुत होते हैं मेरे जैसे छोटे आर्टिस्ट के लिए। मेरे को पता है, आप लोगों को पता है मैंने कैसे स्टार्ट किया है, और 2.3 मिलियन व्यूज इज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। और अचानक मिनट में वो वीडियो हट जाना जस्ट फॉर दोस 5-6 सेकंड्स, प्लीज आप उनको मैसेज कीजिए, उन पे प्रेशर डालिए, प्यार से बात कीजिए, उनको समझाइए ये बात कि अगर वो अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं तो एक आर्टिस्ट की बात समझे। गलती मेरी है, मैं मान रहा हूं गलती मेरी है कि मैंने उनका गाना उनकी इजाजत के बिना यूज किया है, पर उसका भुगतान करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं वो म्यूट कर दूंगा ऑडियो, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, मैं बिल्कुल तैयार हूं उस ऑडियो को म्यूट करने के लिए, मैं उसकी जगह कोई और ऑडियो डाल दूंगा। पर प्लीज ऐसा तो ना करें कि किसी की मेहनत पे इस तरह पानी फेर दें। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका बीबी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ताहिर शाह को मैसेज कीजिए, उनके हर पोस्ट पे, उनके हर स्टेटस पे ये कमेंट कीजिए कि प्लीज ब्रिंग बैक पापा माकी चू वाली वीडियो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर आप मेरी इतनी हेल्प कर दें। आई नो आप लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, एंड आप लोग भी समझ रहे होंगे कि इस टाइम मेरे पे क्या बीत रही है। थैंक यू सो मच। 1, 2, 3, सही है।